नमस्कार दोस्तों, आरबी लाइव मीडिया में आपका स्वागत है। पिछले लंबे समय से नेत्रहीनों के लिए विशेष कार्य करने वाली महाराष्ट्र के पुणे व मुंबई की संस्था प्रेरणा एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड के सदस्य आज भारत पाक के फाजिलका बॉर्डर पर पहुंचे। उन्होंने यहां देश की सुरक्षा में तैनात जवानों को दीपावली की बधाई दी और देशभक्ति का कार्यक्रम प्रस्तुत किया। एसोसिएशन के सदस्यों ने फाजिलका सेक्टर स्थित सादकी बॉर्डर पर होने वाली रिट्रीट सेरेमनी में भी भाग लिया और देशभक्ति के गीत गाए। एसोसिएशन के सदस्यों में शामिल हनुमंत जोशी, गुलदीपक प्रसाद, उल्हास कुलकर्णी, आसिफ मुलानी और परवीन कांचुआ ने जवानों को दीपावली पर्व के लिए बनाए गए ग्रीटिंग कार्ड व महाराष्ट्र की बनाई मिठाइयां भेंट की। एसोसिएशन ने महिला प्रहरियों को साड़ियां भेंट कर सम्मानित किया। एसोसिएशन के प्रवक्ता सतीश नवले ने बताया कि इस एसोसिएशन द्वारा लगभग 12 वर्षों से देश के प्रत्येक बॉर्डर पर जाकर सीमा प्रहरियों के साथ दीपावली व भैया दूज का पर्व मनाया जा रहा है। इस बार कोविड-19 के कारण सामाजिक दूरियों का ध्यान रखते हुए यह पर्व बड़े सादे ढंग से मनाया गया। इस अवसर पर फाजिलका के सामाजिक संस्थाओं के अधिकारी लीलाधर शर्मा, राकेश नागपाल, सुमती जैन, महेंद्र प्रताप धींगड़ा, नरेश मित्तल, उमेश कुमार, विशाल कामरा व अन्यों ने पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत किया। बॉर्डर विकास फ्रंट के प्रधान व प्रेरणा एसोसिएशन के सहयोगी लीलाधर ने बताया कि इस एसोसिएशन द्वारा फाजिलका की उन सामाजिक संस्थाओं को भी सम्मानित किया जा रहा है जिन्होंने कोविड काल में लोगों की सेवा के लिए हाथ आगे बढ़ाया। फाजिलका के बॉर्डर का यह दृश्य है जहां पर जवानों के साथ दिवाली मनाने के लिए प्रेरणा एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड पुणे महाराष्ट्र के सदस्य यहां पर पहुंचे हैं, जिनके द्वारा यहां पर दिवाली व भैया दूज का पर्व मनाया जा रहा है। आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूं, बने रहे मेरे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। बॉर्डर से आए हो, किस तरह का माहौल है? बहुत अच्छा लगा। प्रेरणा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो खुद ब्लाइंड होते हुए भी उन्होंने जो यहाँ पे आके अपना जवानों के साथ दिवाली का त्यौहार मनाया, बहुत अच्छा हुआ। और ऐसा ही त्यौहार ये तो तकरीबन पिछले 5-7 साल से मना रहे हैं, जैसा कि मेरे को बताया गया। बहुत हैरानी की बात है कि इतनी दूर से आके ये जवानों का हौसला अफजाई करते हैं और उनको उनके लिए जो ये मिठाइयाँ वगैरह गिफ्ट भी लेके आते हैं, तो वाकई ये सराहनीय काम है। मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद होंगे जरा ये कार्यक्रम की। हाँ जी, वंदे मातरम साथियों, बहुत खुशी की बात है और इनकी देशभक्ति और इनके जज्बे को सलाम करते हैं जो पूना से चल के यहाँ पे प्रेरणा ब्लाइंड एसोसिएशन यहाँ पे पहुँची है। ये पहले भी आते रहे हैं लेकिन पिछले साल भी मेरा भी इनके साथ आना हुआ तो हमें बहुत ही अच्छा लगा। ये खुद इनके जो साथ में कुछ सदस्य हैं जो उनको गाइड करते हैं, क्योंकि ये सभी देख के भी आपको पता लगा होगा ये लोग कितने टैलेंटेड हैं। और सबसे ज़्यादा इनकी देशभक्ति को हम सलाम करते हैं जो इतनी दूर से कोविड-19 होते हुए भी, क्योंकि अभी पूरी तरह से ट्रेन भी नहीं चल रही, लेकिन इनके दिल में देश के प्रति जज्बा है, इन हमारे फौजी भाइयों के प्रति अपना प्यार है। ये हर दीपावली पे भारत के विभिन्न विभिन्न बॉर्डरों पे जाते हैं और पिछले कुछ सालों से यहाँ आ रहे हैं, पिछले साल भी यहाँ आए थे, तो हम इनको अपनी तरफ से सलाम करते हैं और इनका स्वागत करते हैं। बॉर्डर एरिया विकास फ्रंट की तरफ से हम सभी के धन्यवाद करते हैं जो इतनी दूर से पूना से चल के आए हैं और इनके देशभक्ति का जज्बा देख के हम सलाम करते हैं इनको जो इतनी दूर से आकर। और उन्होंने जो, मैं तो हैरान हूँ भी इतने सामान लेकर वहाँ से लेकर आना
और 4 ब्लाइंड और 2 उनके साथ हो, और जगह जगह रास्ते के अंदर कोई ट्रेन के ऊपर से फिर बस बदल के आना, फिर वहाँ से पैदल चल के आना, देशभक्ति भावना इनको देखी मैंने वाकई देखने वाली। और ये हर साल आते हैं और हर अगले साल भी ये आएंगे, और परमात्मा इनकी लंबी आयु करे, खूब स्वास्थ्य दे, जिससे कि हमारी देश की सेवा करने में ये भी साथ दें। आज बड़े फख्र के साथ मैं कह रही हूँ, प्रेरणा ब्लाइंड वेलफेयर सोसाइटी पूना से आई है, जो कि हमारे वीर जवानों का हौसला अफजाई के लिए, उनको सैल्यूट करने के लिए और उनका आभार प्रकट करने के लिए, क्योंकि हम जब सोते हैं तब वो जागते हैं, हमारी रक्षा के लिए वो हर टाइम तत्पर रहते हैं, इसीलिए हम चैन की नींद ले पाते हैं। इसलिए मैं फौजी भाइयों को सैल्यूट करती हूँ दिल से, और ये अपनी ड्यूटी इसी तरीके से निभाते रहेंगे, और हम इनके आभार में हमेशा नतमस्तक रहेंगे, और ये माँ भारती का सिर हमेशा गौरवान्वित करते रहेंगे। धन्यवाद। मेरा प्रवीण कुमार सिंह कछवा, हम प्रेरणा एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड पुणे से हर साल दिवाली बॉर्डर के साथ मनाने आते हैं जवान भाइयों के साथ। जी, आज आप यहाँ बॉर्डर पे आए हो, कैसा लगा आपको? सर बहुत अजीब बहुत अच्छा महसूस लगता है, अच्छा लगता है, बिकॉज हम इतने दूर रहते हैं बॉर्डर हमारे महाराष्ट्र पे जो सरहद होती है इंटरनेशनल, हमें बहुत यहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ बॉर्डर पे चलता रहता है, हम हमेशा सोचते हैं यार वहाँ पे कैसी सिचुएशन होगी, और ये महसूस करने के लिए और जवान भाइयों का हौसला बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे आते हैं। कितने सदस्य आप आए हैं वहाँ? हम 6 सदस्य आए। क्या नाम है आपका? जय हिंद, मैं उल्लास दामोदर कुलकर्णी नासिक से आया हूँ, और ये दृष्टिहीन दिव्यांग लोग हैं, हमारे साथ 6 लोग हैं, और हम 6 लोग ना महाराष्ट्र से आ रहे हैं, हर साल यहाँ आते, 3रा साल यहाँ हुआ है। जवानों के प्रति आदर सम्मान और सद्भाव रखने के लिए हम यहाँ आते, कि जवान हमारे लिए तैनात होते हैं, 24 घंटे वो लगे रहते हैं, ये उससे हमें फख्र है। भारत देश की सीमा रक्षा करना ये जवानों का काम है, और जवानों के साथ हमें रहना ये हमारा कर्तव्य है। ये मैं एक सर्विसमैन हूँ खुद, मैं 118 इन्फेंट्री बटालियन ए में सुबेदार होकर मैं रिटायर्ड हुआ हूँ, तो मुझे इससे सबसे ज़्यादा नाज है इन जवानों के ऊपर की, क्योंकि ड्यूटी क्या होती है, और ये सीमा सुरक्षा दल ये अपने देश की सीमा की सुरक्षा करते हैं, इसलिए हम सब भारतीय नागरिक जो है सुरक्षा में रहते हैं, ये जवानों के प्रति हमें प्रेम भाव है, आदर भाव है। और सबसे बड़ी बात है, आज सोमवार है और दीपावली का ये शुभ मुहूर्त पर हमने दिए लगाए हैं, दिए जलाए हैं यहाँ पे, और ये हमारी सीमा ऐसी सुरक्षित रहे, ऐसे हम भगवान को प्रार्थना करते हैं, दीपक जलाए है आज दिवाली के शुभ पर्व पर, और ये हमें इसमें खुशी है, आनंद है। आपका? मेरा नाम है सतीश नवले। जी, कहाँ से आए हो आप? हम प्रेरणा एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड महाराष्ट्र पुणे की ओर से आए हैं। जी, क्या कहेंगे और कहाँ पे आप पहुँचे हैं इस समय? अभी हम पहुँचे हैं पदरका डिस्ट्रिक्ट सादक की अंतर्राष्ट्रीय सरहद, भारत पाकिस्तान इंडो की सरहद पर हम पहुँच चुके हैं। जी, कैसा लगा यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लगा, यह हमारा 3रा साल है यहाँ आने का, और हम लोग 2003 से आज तक 18वां साल है कि हर साल की दीपावली हम हमारे अपने प्यारे फौजी भाइयों और बहनों के साथ मनाते आए हैं। जी, लेकिन इस बार तो आप लेट हो गए दिवाली से। ये ऐसा था कि कोविड पैंडेमिक सिचुएशन था, थोड़ा रिजर्वेशन का भी गड़बड़ी थी, एक ही ट्रेन चलती थी, तो थोड़ा टिकट मिलने में थोड़ी दिक्कत हुई, इसलिए हमें एक दिन लेट हो गया, अन्यथा हम हर दिन हर दीपावली जो का भाई दूज होता है ना, तो यही पे हम लोग मनाते हैं। जी, क्या मैसेज देंगे जो देशवासी हैं उनको आज यहाँ बॉर्डर पे खड़े हो आप? हम उनको यही कहेंगे कि आप हर पल हर समय हमारे अपने प्यारे भाइयों जवान भाइयों को याद करें, और दूसरी बात मैं उनको यह भी कहना चाहूँगा कि हम जो भी कार्य करें हर कार्य प्रामाणिकता और विनम्रता से करें, और हर पल और हर समय सिर्फ और सिर्फ हमारे प्यारे फौजी भाइयों को याद करें, और जिनको हो सके वो भी फौज में आए और अपनी माँ भारती की सेवा करें।